आपको बता दें, हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। अब की बार 13 जून को ज्येष्ठ मास की अधिक मास की सबसे बड़ी अमावस्या पड़ रही है। यह अमावस्या 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ज्योतिष में इस अमावस्या पर किए गए उपाय से जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। अगर कुछ यह आसान से उपाय कर लिए जाएँ तो किस्मत का ताला खुल सकता है, जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए आपको बताते हैं इस मौके पर कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए जिससे इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार यह अमावस्या एक तरह से पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदी में स्नान करके उन्हें तर्पण देना चाहिए, इससे पितृ दोष में कमी आती है। आपको बता दें, पीपल के पेड़ में पितरों का निवास स्थान होता है, इसलिए अमावस्या पर पीपल को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष और राहु दोष में कमी आती है। आप इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अमावस्या पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप इस दिन भोले बाबा की पूजा करें तो अच्छा होगा। आपको बता दें, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, उसके बाद गरीबों को दान और ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुभ रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। इस अमावस्या पर आप तुलसी को जल चढ़ाना और गाय को रोटी खिलाना बिल्कुल ना भूलें, इस काम से आपकी जिंदगी सवर सकती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।